हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर मैं आपके लिए लेके आई हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, दैट इज फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने देखा इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस में डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है हम कैसे डिटेक्ट करेंगे कि कौन से प्रोडक्ट कैथोड पर इवॉल्व होंगे, कौन सा एनोड पे। ओके, वो जो हमने देखा था वो था क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब उसमें हम फाइंड आउट करते हैं कि किस इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस से कौन कौन से प्रोडक्ट कैथोड और एनोड पर इवॉल्व होंगे। आज हम करने वाले हैं क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। क्वांटिटेटिव का मतलब हम डिस्कस करेंगे कि कितना चार्ज पास करने से कैथोड और एनोड पर कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, मतलब वी विल डिस्कस द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। अगर इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है केमिस्ट्री नॉलेज वर्ल्ड और मैं हूं मंजू बाला यादव एज ए केमिस्ट्री योर टीचर। ओके, तो शुरू करें स्टूडेंट्स, आई होप फुल एनर्जी के साथ शुरू करते हैं और आप बहुत ही इंटरेस्ट लोगे इस टॉपिक में, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और बेटा अगर क्वेश्चन आ गए इसके ना तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, दो तीन फॉर्मूलाज हैं, अगर आ गए तो न्यूमेरिकल सीधे सॉल्व हो जाएंगे आपके। और कई बार IIT मेंस और नीट के पेपर में इसके क्वेश्चन आए भी हुए हैं। ठीक है, तो चलो वही शुरू करें फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडेज लॉ आपको ये बताएगा कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलिसिस करने पर कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा एट द कैथोड एनोड। उसने अपने इस कंक्लूजन को फैराडे ने दो पॉइंट में डिवाइड कर दिया, दैट इज फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड फैराडेज सेकेंड लॉ। तो चलिए फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहता है। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहता है अगर आपके पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ये आपके पास इलेक्ट्रोलाइट, आपको पता है कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है। ओके, इलेक्ट्रोलिटिक कंटेनर, एक कंटेनर होता है, ठीक है, कंटेनर होता है, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक जिसको बोलते हैं। और दो आपके पास क्या होते हैं, एनोड, एक एनोड और एक कैथोड। एनोड का मतलब प्लस और कैथोड का मतलब माइनस, और इसमें से हम क्या पास करते हैं, चार्ज पास करते हैं। तो हम देखते हैं कि इस इलेक्ट्रोलाइट का इलेक्ट्रोलिसिस होगा और एक प्रोडक्ट कैथोड पर इवॉल्व होगा और एक एनोड पर इवॉल्व होगा। ठीक है, तो उसने ये कहा फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे ने कि जितना आप क्वांटिटी ऑफ चार्ज ज्यादा पास करोगे सॉल्यूशन में से, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास थ्रू द सॉल्यूशन जितना ज्यादा होगा उतना ही कैथोड और एनोड पर डिपॉजिट होने वाला या रिलीज होने वाला प्रोडक्ट भी ज्यादा होगा इन द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। क्या मीनिंग है इस बात का, देखिए ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, देखिए इस बात पे फोकस किया उसने क्वांटिटी पे, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, ठीक है, डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड is directly proportional to the quantity of charge electricity pass through the solution। मतलब जितना आप electricity ज्यादा pass करोगे, जितना charge ज्यादा pass करोगे solution में से, उतना ही electrolyte का electrolysis ज्यादा होगा और cathode और anode पे product जो है वो evolve ज्यादा होंगे। ठीक है, इसका मतलब हुआ mass of the substance deposited is directly proportional to the quantity of charge pass through the solution। सिंपल इसका मैथमेटिकल फॉर्म, क्यू का मतलब हो गया यहाँ पर चार्ज इन कूलम्स। ठीक है, चार्ज इन कूलम्स। हमें ये भी पता है, ये फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए, हमें ये भी पता है भाई क्यू क्या होता है, I into T। आई क्या है, आई है करंट इन एम्पियर। हमेशा एम्पियर में ही लगाएंगे करंट। और टी क्या है, टाइम इन सेकेंड। इस बात को ध्यान रखिएगा कि टाइम हमेशा हम किस में लगाएंगे, सेकेंड्स में लगाएंगे, और करंट किस में लगाएंगे, एम्पियर में। तो जो चार्ज आएगा वो किस में आएगा, कूलम्स में आएगा। अगर आई इंटू टी क्यू की जगह मैं फर्स्ट इक्वेशन में रखूं तो हो जाएगा एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू टी। ओके, या प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे, जब प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे तो एक कॉन्स्टेंट लगेगा, दैट इज जेड। वॉट इज जेड? ठीक है, फॉर्मूला बन गया आपके पास m इज इक्वल टू जेड आई टी, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, अगर हमें चार्ज के फॉर्म में ही लिखना है, कूलम्स के फॉर्म में, तो m इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू। वॉट इज जेड? ओके, ये फॉर्मूला समझ में आया आपके? तो चलिए अब हम आते हैं जेड क्या है। जेड इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। जेड क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इज जेड, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का डेफिनेशन क्या होगा? देखिए, अगर हम ये कहें कि हमने चार्ज पास किया इलेक्ट्रोलिसिस के समय 1 कूलम, या आप कह दीजिए आपने 1 एम्पियर करंट पास किया फॉर 1 सेकेंड, 1 एम्पियर करंट फॉर 1 सेकेंड इज ऑल्सो इक्वल टू 1 कूलम। ओके, तो इस इक्वेशन को लीजिए, अगर हमने 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड के लिए पास किया या 1 कूलम चार्ज पास किया, तो m किसके बराबर होगा? z के बराबर होगा। m किसके इक्वल होगा? z के इक्वल होगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का डेफिनेशन क्या हो गया? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट फॉर द सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट फॉर सब्सटेंस इज इक्वल टू mass of the substance deposited when one ampere current is passed for 1 second, या कह लो और 1 कूलम चार्ज इज पास्ड, 1 कूलम चार्ज इज पास्ड। आई होप आपको ये समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल से लॉज है बेटा, इनके हम लोग फॉर्मूला से भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं या यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों मेथड हम करेंगे। तो क्या कहता है ये कि जितना किसी सॉल्यूशन में से चार्ज पास करोगे, मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड जो कैथोड एनोड पे होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q, या कह सकते हैं m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i टू t, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो z है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का डेफिनेशन क्या है? अगर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में से 1 कूलम चार्ज या 1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड के लिए आपने पास किया, तो जो कैथोड या एनोड पर प्रोडक्ट डिपॉजिट होता है या इवॉल्व होता है, उसे क्या कहते हैं? उसका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। ओके, यहां तक समझ में आया बेटा? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर से मैं आपको रिपीट करती हूँ, जैसा कि हर लेक्चर में बोलती हूँ, अपने नोट्स जरूर बनाना। जब तक आप अपने हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाओगे, तब तक आपको कोई भी टॉपिक इतने ढंग से क्लियर नहीं होगा, चाहे कितनी भी वीडियो सुन लीजिए, अपने हैंड रिटन नोट्स मस्ट है, उसी से आपकी सबसे बेस्ट प्रिपरेशन होगी। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ओके, कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है और कितना इजी भी। तो आपने फॉर्मूला कर लिया फर्स्ट लॉ का, m इज इक्वल टू जेड आई टी। यहां पर मैं आपको जेड का एक फॉर्मूला बताती हूँ, जिसका हम लोग डेरिवेशन भी करने वाले हैं आगे। ठीक है, जेड का मतलब होता है, ये डेरिवेशन में आएगा बेटा, ये जो मैं लिखा रही हूँ आपको डेरिवेशन में आएगा। किसी भी सब्सटेंस के जेड का मतलब, डेफिनेशन तो आपने कर लिया, मैथमेटिकली जेड का मतलब होता है e डिवाइड बाय 96,500। e क्या है बेटा? e है आपके पास इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है या एलिमेंट डिपॉजिट हुआ है उसका इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय 96,500।
क्वेश्चन है ये 96,500 फुट क्या है? तो देखिए आपको पता है द चार्ज ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फैराडे के टर्म में क्या होता है बेटा? वन फैराडे, इतना तो पढ़ रखा होगा आपने। एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? वन फैराडे, और उसी को हम कहते हैं 96,500 कूलम। इज इट क्लियर? तो कूलम के टर्म में हमने ये लिख दिया। जेड इज इक्वल टू, अगर फैराडे लिखना है तो इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय एफ, नंबर ऑफ फैराडे। ओके, अगर ये अगर कूलम के टर्म में लिखना है तो इसे क्या करना पड़ेगा? 96,500। ओके, यू कैन राइट ई डिवाइड बाय एफ, हियर एफ इज इक्वल टू फैराडे। अगर आप चार्ज फैराडे के टर्म्स में लिखोगे तो जेड का मतलब होगा इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय नंबर ऑफ फैराडे। अगर कूलम के टर्म्स में लिखोगे चार्ज, तो आपके पास जेड इज इक्वल टू ई डिवाइड बाय 96,500। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इस फॉर्मूला को इसमें पुट कर दूं जेड को, तो क्या हो जाएगा? एम इज इक्वल टू जेड डिवाइड बाय 96,500 आई इंटू टी। ठीक है, 96,500 कूलम। इससे हम क्या निकाल सकते हैं? इससे हम करंट पास, अगर आपको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस निकालना है तो उसके लिए क्या दिया रहेगा? आई दिया रहेगा, टी दिया रहेगा। ठीक है, ओह सॉरी, ये जेड नहीं, ई है, ई इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि अगर सब्सटेंस का इक्विवेलेंट पता हो, आई पता हो, टी पता हो, तो हम क्या निकाल सकते हैं? मास डिपॉजिट निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट नहीं भी दिया है तो आपको फॉर्मूला पता है, प्लस वन से करते हैं। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट एलिमेंट के टर्म्स में, देखिए इक्विवेलेंट वेट का जनरल फॉर्मूला है आपके पास, एटॉमिक वेट डिवाइड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर, इज इट क्लियर? एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर मास, अगर कोई कंपाउंड आयन है या मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एन फैक्टर। आपको एन फैक्टर का मतलब अच्छे से पता है, एन फैक्टर का मतलब फॉर एलिमेंट, एलिमेंट के लिए, मेटल के लिए, अगर मेटल डिपॉजिट हो रही है तो मेटल के लिए एन फैक्टर का मतलब क्या होता है? उसकी वैलेंसी। इज इट क्लियर? और किसी सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है तो एन फैक्टर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड, लॉस्ट और गेन्ड, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए। जैसे एग्जाम्पल है, अगर आपके पास रिएक्शन में पर मैग्नेट आयन किसमें कन्वर्ट हो रहा है? Mn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर n फैक्टर क्या होगा? इसमें मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +7, यहाँ पर कितना है? +2, रिडक्शन हुआ है, मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +2 में कन्वर्ट हुई है, यानी कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इससे गेन किए हैं? 5, तो यहाँ पर n फैक्टर की वैल्यू क्या होगी बेटा? 5, यानी एक मोल ऑफ पर मैग्नेट को मैग्नीज 2 प्लस में रिडक्शन होने के लिए कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? अभी 5 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। इज इट क्लियर? कितने फैराडे चार्ज की जरूरत है? यहाँ पर कितने फैराडे बताइए? 5 फैराडे, क्योंकि आपको पता है एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1 फैराडे होता है। इज इट क्लियर? तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला है एटॉमिक, अगर एलिमेंट दे रखा है, कोई मेटल डिपॉजिट हो रही है तो एटॉमिक वेट डिवाइड बाय वैलेंसी, अगर कोई दूसरा सब्सटेंस है तो मोलार मास, उसका कंपाउंड आया तो मोलार मास डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन ड्यूरिंग द रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्या ये फॉर्मूला समझ में आया आपको? इसका डेरिवेशन, जेड की वैल्यू किसके बराबर कैसे है, इसका डेरिवेशन आएगा अभी। ठीक है, तो पहले लॉ में आपने देखा कि वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड हम निकाल सकते हैं अगर हमें क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास थ्रू द सॉल्यूशन पता है तो। ठीक है, अब देखिए सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहता है? फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, बहुत सिंपल से लॉज है। फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, आ जाइए बेटा सेकंड लॉ, सेकेंड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। सेकेंड ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है, मान लीजिए आपने दो या दो से ज्यादा सॉल्यूशन को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। किसमें कनेक्ट कर दिया? सीरीज में। सपोज हमने ले लिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक से देखिएगा, दूसरा हमने ले लिया सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, और थर्ड भी हमने ले लिया एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन।
एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन, ओके, एंड ऑल दीज थ्री सॉल्यूशंस आर कनेक्टेड इन सीरीज. हमने इन सभी सॉल्यूशन को सीरीज में कनेक्ट कर दिया. सीरीज में कनेक्शन का मतलब क्या हुआ? सीरीज में कनेक्शन का मतलब है इन तीनों सॉल्यूशन से हमने क्या किया है, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास किया है. सीरीज का मतलब ये होता है, हमने इन तीनों से, ये आपके पास एनोड, ये आपके पास क्या है भाई, कैथोड है, ठीक है, ये कैथोड. कैथोड किससे कनेक्ट होगा भाई, एनोड से. फिर एनोड किससे, यहां पर ये कैथोड, कैथोड किससे, एनोड से, ओके. तो इनमें से हमने क्या किया है, सेम सीरीज में कनेक्शन का मतलब क्या होता है, फिजिक्स में आपने कर रखा होगा, इफ टू और मोर सॉल्यूशंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, इसका मतलब है इन सब में से आपने सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास किया है. तो ये कहता है अगर दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट में से सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास किया जाए तो वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट. ओके, देखिए क्या है, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट, उनके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. या आप ऐसे कह सकते हो when same quantity of charge pass through the same two or more solutions then the number of equivalent deposited are same, number of equivalents deposited in mein same hoge agar aap same quantity of charge pass kiya to. Number of equivalents kya hota hai bataiye, number of equivalents hota hai, number of equivalents is equal to weight in gram divided by equivalent mass, these are called as number of equivalents. When same quantity of charge pass through two or more solutions then the same number of equivalent deposited at electrode, is it clear? चलिए मैं आपको इसका मतलब बताती हूँ. Suppose मैंने दो solution लिए यहाँ पर, ठीक है, तीन, third भी consider कर सकते हो, no doubt. यहाँ पर मान लीजिए हमने तीनों consider किया तो पहले वाले solution में हमने क्या देखा, क्या होगा इस equation के हिसाब से, mass of copper deposited, मास ऑफ कॉपर, तीनों, चलो तीन सॉल्यूशन हमने लिए तो हम तीनों के लिए इक्वेशन लिखते हैं. मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर. ओके, मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर. ओके, एंड द मास ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड, थर्ड सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस से एल्यूमिनियम डिपॉजिट होगा, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम. ठीक से सुनिए आप, इक्वेशन नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइट के लिए, सेकंड इलेक्ट्रोलाइट के लिए, थर्ड इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ये कहता है अगर दो या दो से ज्यादा सॉल्यूशन सेम सीरीज में कनेक्ट हो यानी सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास किया तो उसमें जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पर वो उनके इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. ये मैंने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का क्या पंगा है, देखिए अभी बताती हूँ. मान लीजिए मैंने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंबाइन कर दिया, फर्स्ट को सेकंड से थर्ड से करो, किसी से भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, दो इक्वेशन को आप कंपेयर कर लो. चलिए अगर हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंपेयर किया तो आपके पास क्या आएगा, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड डिवाइड बाय मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड. ओके, सिल्वर डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, equivalent weight of copper divided by equivalent weight of silver. Is it clear? आगे भी नहीं first और second equation को compare करने से. अब इसको यहाँ लेकर आओ. तो mass of copper deposited divided by equivalent weight of copper. Okay? ये हो जाएगा mass of silver deposited divided by equivalent weight of silver. Equivalent weight of silver. And we know very well that mass of the substance deposited divided by equivalent mass क्या होता है, number of equivalents. यानी क्या हो गया, ये वाला equation क्या हो गया, ये हो गया mass of copper divided by equivalent weight of copper, that is number of equivalents of copper is equal to number of equivalents
इक्विवेलेंट्स ऑफ सिल्वर, यही मैंने आपको सेकेंड फॉर्म बताया था इसका, कि सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज अगर हम सॉल्यूशन में से पास करें जो सीरीज में करेक्ट है तो क्या कहेंगे हम लोग, तो सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास किया तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड आर सेम, यानी कॉपर के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो डिपॉजिट होंगे उतने ही सिल्वर के इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिपॉजिट होंगे, उतने ही एल्युमिनियम के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिपॉजिट होंगे। सपोज हमने इनमें से क्यू कूलम ऑफ चार्ज पास किया, जितना भी हो क्यू कूलम एक क्वांटिटी है, तो हमने कहा इसके डिपॉजिट हुए एक्स इक्विवेलेंट्स, कितने हुए एक्स इक्विवेलेंट्स, कॉपर डिपॉजिटेड एक्स इक्विवेलेंट, तो एक्स इक्विवेलेंट ही किसके होंगे, वेट सेम नहीं है, वेट सेम नहीं है भाई, क्या वेट क्या सेम है, ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम है, तो क्या कहेंगे अगर क्यू कूलम चार्ज पास करने से एक्स इक्विवेलेंट कॉपर के डिपॉजिट हुए इलेक्ट्रोड पे, तो एक्स इक्विवेलेंट ही सिल्वर के डिपॉजिट हुए हैं, तो एक्स इक्विवेलेंट ही किसके डिपॉजिट हुए हैं, एक्स इक्विवेलेंट ही एल्यूमिनियम के डिपॉजिट हुए। ओके, चाहे इस फॉर्म में बोल दो दैट द वेट ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सब्सटेंस, ओके, या फिर ऐसे वो कह दो कि अगर सेम क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास करते हैं सॉल्यूशन में से तो इलेक्ट्रोड्स पर जो जो सब्सटेंस डिपॉजिट होता है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, उनके क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अंडरस्टूड, आई होप आपको सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी समझ में आ गया, अगर आ गया तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स आगे चलते हैं बेटा, अब हम डेरिवेशन करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का जो हमने बीच में छोड़ दिया था, ध्यान से देखिए इसी इक्वेशन से करेंगे हम लोग। हमने ये तीन सॉल्यूशन लिए हैं, इनको सीरीज में कनेक्ट किया है, ओके, अब देखिए हम ये कहते हैं कि कॉपर सल्फेट में से कॉपर डिपॉजिट होगा तो उसका इक्वेशन क्या है, कॉपर सल्फेट में कॉपर की साइन किस फॉर्म में है, कॉपर आयन के फॉर्म में, ठीक से देखना, कॉपर के डिपोजिशन का इक्वेशन फ्रॉम कॉपर सल्फेट कॉपर आयन के फॉर्म में है, टू इलेक्ट्रॉन कॉपर, ओके, ये इक्वेशन आपको बता रहा है कि एक मोल कॉपर डिपॉजिट होने के लिए आपको कितना चार्ज पास करना पड़ेगा, 2 फैराडे, कितना पास करना पड़ेगा, 2 फैराडे, 2 फैराडे चार्ज अगर पास करो तो 1 मोल ऑफ कॉपर डिपॉजिट होगा, अगर हम 1 फैराडे पास करें 1 फैराडे पास करें तो कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, हाफ मोल ऑफ कॉपर विल डिपॉजिट। अंडरस्टूड, क्या ये समझ में आया आपको, कॉपर सल्फेट में कॉपर जो है Cu2+ आयन के फॉर्म में, Cu2+ से Cu डिपॉजिट होने का इक्वेशन ये है, अच्छे से आपको पता है हमने बहुत रिडॉक्स रिएक्शन लिखी है पहले वाले लेक्चर में, तो अगर हम चार्ज के फॉर्म में देखें तो हम कहें 1 मोल कॉपर डिपॉजिट होने के लिए क्या चाहिए आपको, 2 फैराडे चाहिए, 1 फैराडे पास करने से कितना कॉपर डिपॉजिट होगा, 1/2 मोल ऑफ कॉपर, इज इट क्लियर, 1/2 मोल ऑफ कॉपर, अच्छा 1 मोल ऑफ कॉपर को हम ऐसे कह सकते हैं एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर, 1 मोल ऑफ कॉपर मतलब कितना ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर, और 1/2 मोल ऑफ कॉपर को हम ऐसे कह सकते हैं एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर डिवाइड बाय 2, इज इट क्लियर, एटॉमिक वेट डिवाइड बाय 2, क्योंकि 1 मोल का मतलब क्या है एटॉमिक वेट ऑफ कॉपर, 1/2 मोल मतलब एटॉमिक वेट डिवाइड बाय 2। अब आप मुझे बताइए कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है कॉपर का, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर दैट इज एटॉमिक वेट डिवाइड बाय इट्स वैलेंसी, मेटल की क्या लेते हैं बेटा, वैलेंसी, एटॉमिक वेट डिवाइड बाय, आपको दिख रहा है कॉपर की वैलेंसी कितनी है, 2 है, तो कॉपर के लिए इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या हो गया, एटॉमिक वेट डिवाइड बाय, यानी एटॉमिक वेट डिवाइड बाय 2 को हम लोग लिख सकते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, इसका मतलब हुआ हमारे पास इक्वेशन आ गया बाय यूजिंग 1 फैराडे चार्ज, इज इट क्लियर, 1 फैराडे चार्ज यूज करने से या 1 फैराडे चार्ज पास करने से कॉपर सल्फेट में से जो वेट कॉपर का डिपॉजिट हुआ है दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, कितना है इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, 1 फैराडे को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 96,500 कूलम,
1 फैराडे मतलब 96,500 कूलम। 96,500 कूलम चार्ज पास करने से कितना वेट डिपॉजिट हुआ है बेटा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, कितना डिपॉजिट हुआ है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। ओके, तो आप मुझे बताइए 1 कूलम चार्ज पास करने से कितना डिपॉजिट होगा, 1 कूलम चार्ज पास करने से कॉपर डिपॉजिट होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर डिवाइड बाय 96,500। इज इट क्लियर? तो पहले सॉल्यूशन में अगर हम 1 कूलम चार्ज पास करें तो 1 कूलम चार्ज पास करने से जो कॉपर डिपॉजिट होगा दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय 96,500। ओके, चलिए यही हम लोग सेकेंड वाले सॉल्यूशन में लगाते हैं, यही इक्वेशन हम सेकेंड वाले में अप्लाई करते हैं। सिल्वर नाइट्रेट में यही मेथड, सिल्वर नाइट्रेट में से सिल्वर डिपॉजिट होने का इक्वेशन क्या है, यही है। सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर आयन किस फॉर्म में होते हैं, Ag प्लस आयन के फॉर्म में। इज इट क्लियर? प्लस इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये इक्वेशन बता रहा है कि 1 फैराडे अगर हम चार्ज पास करें, 1 फैराडे चार्ज यूज करके हम लोग कितना सिल्वर डिपॉजिट करते हैं भाई, 1 मोल सिल्वर। एंड यू नो 1 मोल सिल्वर इज इक्वल टू एटॉमिक वेट ऑफ सिल्वर। 1 मोल सिल्वर किसके बराबर है, एटॉमिक वेट के बराबर है। इज इट क्लियर? तो आप ये बताइए इसका मतलब, आपने ये कहा अच्छा सिल्वर के लिए एक और चीज बता रहा है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर होता है इट्स एटॉमिक वेट डिवाइड बाय वैलेंसी। बताइए वैलेंसी कितनी है सिल्वर आयन की, 1। तो हम कह दें कि सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट और एटॉमिक वेट क्या है भाई, दोनों इक्वल है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं 1 फैराडे, इस इक्वेशन से 1 फैराडे चार्ज पास करने से, 1 फैराडे चार्ज पास करने से सिल्वर डिपॉजिट हुआ 1 मोल। 1 मोल सिल्वर का मतलब सिल्वर का एटॉमिक वेट, और सिल्वर का एटॉमिक वेट का मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। इसका मतलब हो गया 96,500 कूलम, 1 फैराडे का मतलब 96,500 कूलम, 96,500 कूलम पास करने से इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर डिपॉजिट हुआ। 96,500 कूलम पास करने से जो वेट डिपॉजिट हुआ सिल्वर का क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर है। इज इट क्लियर? तो 1 कूलम पास करने से क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर डिवाइड बाय 96,500। ठीक है, यहां से आपको दो चीजें कंक्लूजन मिलती है, यहां से ना दो चीजों का कंक्लूजन है क्या, एक तो 96,500 कूलम चार्ज पास करने से हमेशा जो सब्सटेंस का वेट डिपॉजिट होता है वो उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है। पहले वाले सॉल्यूशन में भी ऐसा हुआ, 96,500 कूलम पास करने से जो वेट डिपॉजिट हुआ क्या इलेक्ट्रोड पे वो किसके बराबर था, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर के बराबर था। और सेकंड में भी ऐसा ही हुआ, सेकंड में क्या हुआ कि 96,500 कूलम चार्ज पास करने से जो वेट डिपॉजिट हुआ वो किसके बराबर है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर के बराबर है। तो हम कंक्लूजन ऐसा ही थर्ड में भी आएगा, आप करके देखिए, एल्यूमिनियम सल्फेट में एल्यूमिनियम आयन किस फॉर्म में, एल्यूमिनियम 3+ में, एल्यूमिनियम 3+3 इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम। इज इट क्लियर? सेम इसमें भी ऐसा ही आएगा, क्या आएगा, 3 फैराडे चार्ज पास करने से 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम डिपॉजिट हुआ, तो 1 फैराडे पास करने से कितना हुआ, 1/3 मोल, 1/3 मोल एल्यूमिनियम मतलब इक्विवेलेंट वेट। इसका मतलब यहां पर भी यही आया कि 96,500 कूलम पास करने से जो सब्सटेंस का वेट डिपॉजिट होता है किसी भी इलेक्ट्रोड पर वो उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है। ओके, और सेकंड कंक्लूजन हमारे पास ये है, क्या 1 कूलम चार्ज पास करने से जो वेट डिपॉजिट होता है वो होता है हमेशा इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय 96,500। 1 कूलम चार्ज का पास करने से जो वेट डिपॉजिट होता है वो होता है इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय 96,500। ऐसा यहां पर आएगा। इज इट क्लियर? तो दो चीजें आपको यहां से देखने को मिली है बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें, कि अगर किसी भी सॉल्यूशन में से हम 96,500 कूलम चार्ज पास करेंगे तो इलेक्ट्रोड पर जो सब्सटेंस का वेट डिपॉजिट होगा या रिलीज होगा वो उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा। और थर्ड चीज आपको जो सेकंड चीज जो आपको मिली कि 1 कूलम चार्ज पास करने से जो वेट डिपॉजिट हो रहा है वो क्या है, वो इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय 96,500।
ओके चलिए, वन गुलाम चार्ज से। और थोड़ी देर पहले हमने एक चीज की थी, किसमें? फैराडेस फर्स्ट लॉ में क्या कहा था कि बाय पासिंग ऑफ वन गुलाम चार्ज। देखिए आप, वन गुलाम चार्ज पीछे आप जाके देखिएगा, ठीक है, जो पहले स्क्रीनशॉट लिया था आपने फर्स्ट वाला, उसमें क्या था, वन गुलाम चार्ज पास करने से, बाय पासिंग ऑफ वन गुलाम चार्ज, वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इज इट क्लियर? एक गुलाम चार्ज पास करने से जो सब्सटेंस का वेट डिपॉजिट होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बराबर होता है, यानी हमारे पास कंक्लूजन निकल गया ना, क्या, दैट इज जेड इज इक्वल टू, इसी को तो कहा था हमने, आगे करेंगे, जेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय 96,500, ओके। और सेकेंड हमारे पास कंक्लूजन निकला, 96,500 कूलम पास करने से जो वेट सब्सटेंस का डिपॉजिट होता है वो इक्विवेलेंट वेट के बराबर होता है, अंडरस्टूड? तो हमारे पास ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया, दैट इज एम इज इक्वल टू, बताइए कौन सा फॉर्मूला, एम इज इक्वल टू जेड आई इंटू टी। सेकेंड आपके पास आया एम इज इक्वल टू जेड की जगह हमने लिखा इक्विवेलेंट वेट डिवाइड बाय 96,500 आई इंटू टी, आई इंटू टी को हम लोग क्यू भी लिख सकते हैं, इज इट क्लियर? ये आपके पास फैराडेज लॉ में न्यूमेरिकल में यूज होने वाले फॉर्मूलाज हैं, बड़े इंटरेस्टिंग, बड़े इजी से फॉर्मूला हैं, इन फॉर्मूला को यूज करके हम लोग न्यूमेरिकल बहुत इजीली कर पाएंगे। आई होप आपको फैराडेज फर्स्ट लॉ और फैराडेज सेकंड लॉ के कंसेप्ट समझ में आ गए हैं, और अगली वीडियो में हम करेंगे इसके न्यूमेरिकल। बेटा अगली वीडियो जरूर देखना, आई एश्योर यू कि अगली वीडियो देखने के बाद आपको फैराडेज लॉज के जो न्यूमेरिकल है वो बिल्कुल इजी लगेंगे, और आप फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में उसको सॉल्व कर लोगे। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।